चलो दे देखो, ऊपर तो है px plus q, क्या यहाँ पे सिर्फ लीनियर ही हो सकता है ऊपर? नहीं क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए बट नीचे वाले से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? बोले तो ना, ऊपर कौन बैठता है? ऊपर बड़े लोग बैठते हैं। जब जब ऊपर बड़े लोग होंगे, ठीक है, ऊपर अगर बड़े लोग होंगे तो आसान वाला मैथ, तो आसान वाला मैथ है। जब जब नीचे वाले लोग बड़े तो मुश्किल वाला मैथ है ना। तो ऊपर px plus q वैसे छोटा दिखाने के लिए दिखाया, बट लीनियर नहीं हो सकता, ये जान गए हम। नीचे x minus a तो है, x minus a, और बगल में कोई क्वाड्रेटिक बैठा है, ax square plus bx plus c, ठीक ना, कोई क्वाड्रेटिक बैठा है बगल में, ठीक ना। ऊपर कोई, नीचे x minus a और बगल में कोई क्वाड्रेटिक। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं a अपॉन में पहला वाला x minus a, ठीक ना, a अपॉन में पहला वाला, और प्लस में यहाँ पे लिखते हैं bx plus c और नीचे वाला। नीचे वाला क्या है? ax square plus bx plus c, ठीक ना, ऐसे ये इंटीग्रेशन है, ऐसे भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है बहुत बहुत कम हो रहा है, उन्हें सब क्वालिटी ही रहेगा। तो एक काम करो, वहाँ पे चले जाओ, क्या रोशन के पास चले जाओ, रोशन के पास चले जाओ, पीछे ये छोटा वाला चेयर लेकर सबको अभी दिखा देते हैं। इस वाले फोटो से मिलता है, आप बता रहे थे कि हम लोग ए को इससे पहचानेंगे, चौथा इमेज तो देख लो, फिर बता रहे एबीसी पहचाने के लिए निकालेंगे, ठीक ना। इधर देखो, क्या ऐसा फोटो मैच किया? मैच किया, माइनस वन प्लस वन जोड़ दे तो बताओ इतने दूर तक क्या हो गया? क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और लास्ट में प्लस में वन, एक्स प्लस टू और x square plus 1, क्या हो गया ये? अरे क्या हो गया इतना? हैं? इतना हो गया? अब separate कर दो, कितना दूर तक separate नहीं? तभी पूरा कट दिए। क्या इतना दूर तक separate करें? plus से पहले तक, तभी cancel हो जाएगा। ठीक ना? अगर इतना दूर separate करेंगे तो हो गया x square minus 1, x square plus 1 upon में x plus 2, और क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस वन, क्या कट गया? क्या इससे ये कट गया? अरे इससे ये कट गया। इधर देखो, इधर क्या हो गया? प्लस इंटीग्रेशन में वन को क्या दिखाना? dx से दिखा दिए, नीचे x प्लस वन। अब बताओ ऊपर x की डिग्री? बहुत छोटी, वन। ऊपर x की डिग्री जीरो, ऊपर x की डिग्री जीरो, x है नहीं ना, तो ऊपर x की डिग्री जीरो, नीचे x की डिग्री तीन। क्या वो मेथड काम किया? अरे नीचे वाले की डिग्री बढ़ी, ऊपर वाले की डिग्री कम, और फिर फोटो मिलाने जाओगे क्या यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक, अरे क्या वहाँ पे लीनियर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक, फिर इसको तो ऐसे करोगे, इसको सोचो इसको कैसे करोगे, ये कैसा हो गया? ये हो गया तुम्हारे x स्क्वायर माइनस वन अपॉन में x प्लस टू। इसमें बताओ ऊपर की, शांत रहो, सही बोला तो तुम भी सही बोलो, ऊपर की डिग्री क्या बढ़ी? ऊपर की बढ़ी नीचे की, तो इसमें कौन सा मेथड? यूक्लिड। कौन सा मेथड? यूक्लिड। तो ये तो खुलेगा यूक्लिड से, और ये खुलेगा पार्शियल से, ठीक ना। ये एक क्वेश्चन दोनों खुलवा लेता है, ठीक ना, यूक्लिड भी सिखा गया और पार्शियल भी सिखा गया। तो यहाँ तक रुक देना, इसके आगे सॉल्व हम करेंगे। ये तो तुम कर लोगे, ये तो कर लोगे ना, इसमें इसमें डिवाइड तो लग जाएगा ना, इसमें इसमें डिवाइड लग जाएगा, ये कर लोगे, हम सिखा देंगे, ठीक ना। अब इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया उसको तो सब्जेक्टिव मेथड से नहीं, वो ऑब्जेक्टिव मेथड से नहीं होगा, मैं तो शॉर्टकट में ऊपर वाला बड़ा तो ऐसे लिखेंगे,
नीचे वाला बड़ा ऊपर वाले से, तो कौन सा मेथड पता चल गया? पार्शियल मेथड पता चल गया, पार्शियल मेथड। अब इमेज मिलाओ, कौन सा इमेज मिल गया? कौन सा इमेज? दूसरा की पाला, दूसरा ठीक ना, तीन ब्रैकेट में दूसरा ठीक ना। कैसे लिखते हैं इसको? a अपॉन में x प्लस वन प्लस में b अपॉन में x माइनस टू प्लस में c अपॉन में x माइनस थ्री, ऐसे लिखते हैं इसको ठीक ना। a अपॉन में पहला वाला, b अपॉन में दूसरा वाला, c अपॉन में तीसरा वाला। a अपॉन में पहला वाला, b अपॉन दूसरा वाला, c अपॉन में तीसरा वाला ठीक ना। सब्जेक्टिव मेथड क्या है? टेक एलसीएम एंड कंपेयर ठीक। एलसीएम ले लो और कंपेयर कर दो। किसको कंपेयर कर दो? यदि आप बोल रहे हैं कि ये इसके बराबर है तो इससे कंपेयर कर दो। जैसे कि आज के दिन इससे एलसीएम लो, क्या एलसीएम होगा? x plus 1 x minus 2 x minus 3। a के आगे किसकी उड़ा? x minus 2 x minus 3 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 x minus 2 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 x
अरे जो इसके नीचे वो इसके नीचे भी है ना, तो जब हाल हुआ यार मिल गया तो ऊपर वाले सामान को मिलाना पड़ेगा। अरे ऊपर वाले के सामान मिलाना पड़ेगा ना। अब सामान देखो कैसे मिलाते हैं ऊपर का, इधर बताओ मल्टीप्लाई करो सबसे आगे इसकी, a की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री की मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, डायरेक्ट लिख रहा है माइनस फाइव एक्स। अरे x स्क्वायर फिर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स कितना हो गया, माइनस फाइव एक्स, इन दोनों कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा प्लस प्लस सिक्स। तो a के आगे तो ये लिखा ठीक ना, प्लस में b के आगे बताओ क्या लिखा, लिख दिया किसकी गुणा करोगे x स्क्वायर फिर x की 3 से माइनस तो माइनस 3x और फिर इसकी करोगे तो प्लस x माइनस 3x प्लस x कितना हो जाएगा माइनस 2। इशारा x की गुणा 3 से 1 की गुणा x से कितना आ गया माइनस 2x माइनस 3x और प्लस x कितना हो गया माइनस 2x कितना हो गया माइनस 2x कौन सा मल्टीप्लाई करो माइनस 3 प्लस में c C के आगे बताओ क्या x स्क्वायर तो x स्क्वायर तो लिख दो माइनस यहाँ पे बताओ माइनस x क्या यहाँ पे हो गया माइनस टू एक्स और यहाँ पे हो गया प्लस x माइनस टू एक्स माइनस x कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करके बताओ माइनस माइनस कर दो कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई माइनस कर देखो क्या माइनस टू बी एक्स माइनस थ्री बी प्लस में सी एक्स स्क्वायर माइनस में सी एक्स माइनस में टू सी क्या यही लिखा नीचे वाला इसको कंपेयर कर दिया ना तो नीचे अगर इसके इक्वेट करोगे इसके तो क्या नीचे का नीचे वाला काट देगा। अरे इसको अगर इस समान को इसके इक्वल टू ये 3x प्लस 2 हो गया किसका उसको ऊपर वाले को इंटीग्रेट किए अभी तो ब्रैकेट है तोड़ के मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे अभी तो ऊपर वाला खाली मल्टीप्लाई किया ना। अब नीचे का सामान क्या नीचे वाले से मिलता है तो जिस दिन इक्वल टू में इसको बिठाओगे क्या नीचे से नीचे मार देगा। अगर 2/3 इक्वल टू 4x/3 है तो क्या 3/3 नहीं मार देते हैं। अरे नीचे वाला को मार देता है तो जिस दिन इसके इक्वल बैठाओगे इसको क्या नीचे वाला इस नीचे वाले को नहीं मार देगा तो खाली ऊपर वाला बच जाएगा ना। तो खाली ऊपर वाले को सॉल्व किया अभी कंपैरिजन कैसे किया जाता है उसमें क्या कर रहे थे कोएफिशिएंट को मैच करा रहे थे कोएफिशिएंट को क्या करा रहे थे मैच करा रहे थे। इसमें बताओ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या क्या एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या क्या ए इधर देखो क्या बी और क्या सी x के कोएफिशिएंट बताओ माइनस प्लस x कॉमन ले रहे हैं देखो इधर माइनस x कॉमन ना लेना प्लस x लूंगा क्यों इससे समझदारी होगा कि सबको एज इट इज साइन के साथ लिखना पड़ेगा। अगर माइनस ले लेते तो फिर साइन बदल बदल लिखना होता ठीक ना। तो प्लस x कॉमन ले लो प्लस x कॉमन ले लिए तो बताओ यहां से क्या छूट गया माइनस फाइव है और यहां से छूट गया माइनस टू बी और यहां से क्या छूट गया माइनस सी क्या छूट गया और कॉन्स्टेंट वाले के पास रखो क्या प्लस में सिक्स है अरे क्या प्लस में सिक्स है और कौन कॉन्स्टेंट है माइनस थ्री बी और माइनस में टू सी
क्या यही है ठीक ना। अब इधर वाले को ध्यान से देखो, ये पार्टी बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ये पार्टी क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जो नहीं होता है उसके आगे क्या होता है जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, जो नहीं होता उसके आगे कौन होता है जीरो होता है, जो नहीं होता उसके आगे कौन होता है जीरो होता है, तो ये किसके इक्वल जीरो के इक्वल। तो ए प्लस बी प्लस सी को बोलना कि बेटा तुम जीरो के बराबर आना ठीक ना, इससे क्या बोलोगे कि तुम किसके बराबर आना माइनस फाइव ए माइनस टू बी माइनस सी को बोलना कि किसके बराबर आना तुम थ्री के बराबर आना ठीक ना, नहीं तो फिर हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट को क्या बोला जाएगा माइनस में थ्री बी माइनस में टू सी को किसके बराबर आना टू के बराबर आना, क्योंकि इधर कॉन्स्टेंट क्या है कोफिशिएंट में क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर एक्स का कोफिशिएंट बराबर, और कॉन्स्टेंट को भी तो कंपेयर करोगे कि कॉन्स्टेंट भैया आप कॉन्स्टेंट पे ही बराबर रहिएगा, तो इस साइड का कॉन्स्टेंट अरे सर कांस्टेंट की उपाधि किसको मिली है इस साइड को -3 को -2 को, इस साइड कांस्टेंट की उपाधि 2 को, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, कर्व को दोनों को बराबर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कंपेरिजन। कितने इक्वेशन कितने वेरिएबल की ये बताओ, यहां पे काउंटिंग स्ट्रांग होना चाहिए, कितना 1 2 3 कितने इक्वेशन तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, एबीसी जल्दी निकालो टाइम है, वेलोड के खाली सिंगल है हम निकाल, एबीसी निकल गया ये निकल गया कुछ नहीं निकला है, हाई का आप क्या कर दिया और का है एरर निकाला निकाल का नाम सुना है ये चुना है ना ये बोर्ड देखो ये बोर्ड जितना लिखा है सब मिटाना पड़ेगा, तो अब क्या एबीसी और मिटा दीजिए ना, एबीसी सच में निकलवा दे इस मेथड से कि निकाल लोगे घर पे आके ट्राई करना एबीसी अरे घर पे आके निकाल एलिमिनेशन होगा, देखो किस होगा आंसर, हिंट दे देना देखो क्या फिर से हम उठाए आधा घंटा एबीसी निकाल देंगे, देखो हम हिंट दे देते हैं यहाँ पे कौन है ये यहाँ पे कौन है अरे यहाँ पे पांच है, कौन है पांच है बोले माइनस पांच है, पांच ही है ठीक है, अब इसकी पूरा पांच से कर देना, किसकी किससे कर दोगे पांच से पूरा कर दो, क्या पांच है यहाँ दिख गया, क्या पांच भी यहाँ दिख गया, क्या पांच से यहाँ दिख गया, फिर इन दोनों को भिड़ा देना जोड़ देना इन दोनों को ए से उड़ जाएगा, फिर बी और सी में एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, बी और सी में एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, बी और सी में इक्वेशन तैयार हो गया फिर इन दोनों को भिड़ा देना। अच्छा आपसे एक बात बताइए, आप इक्वेशन में खुद करेगा तो सी सी नहीं पड़ जाएगा, हम यहाँ पे खुद किए हुए तो ना ये दोनों इक्वेशन को भिड़ा दिए हो, अब वो भी कर सकते हो माइनस फाइव ए माइनस का टू बी माइनस का सी इक्वल टू थ्री है ना, तो दोनों को जोड़ो तो फिर से पड़ जाएगा, फिर से वही चीज कमाल फिर इन दोनों को भिड़ाओगे वहां से एक आएगा, फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल आगे उस दो वेरिएबल को निकालोगे फिर एक ही वैल्यू उसमें पुट करोगे ठीक ना, तब जाके आएगा ठीक ना, तो इतना लिखना घर से ट्राई कर लाना अगर तुम्हें सोचना कर पाओ ठीक ना, हम शॉर्टकट से एबीसी निकालना नोट हो गया बेटा दे हैं सब्जेक्टिव मेथड जाने का ना, अब किसी दिन अगर वो सब्जेक्टिव देता है ना तो इतना टफ नहीं देगा, वो आसान देगा ठीक ना, ताकि तुमसे तीनों वेरिएबल एट द टाइम टाइम के रहते हुए निकल जाए ठीक ना, तो देखो चलो इसको मिटाते हैं मेरे साथ को एबीसी एक लाइन में अगली लाइन में निकालेंगे एबीसी और उसके दूसरे लाइन में आंसर, इस लाइन में एबीसी निकालेंगे उसके दूसरे लाइन में आंसर, बस तुम मेरे साथ दो ठीक ना, इधर देखो नीचे लिखे एक्स प्लस वन बताओ x प्लस वन की टर्निंग पॉइंट है, वन की माइनस वन, तुम पढ़ा हुआ इंसान बोल रहा है
जिसको पढ़ाया हुआ है हजारों बार पढ़ाया पलट दो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन उसी बोलता है टर्निंग पॉइंट बोलो क्रिटिकल पॉइंट बोलो मर्जी है जो बोलो ठीक ना एक्स की वैल्यू बोलो ठीक ना हम टर्निंग पॉइंट बोलते तो एक्स प्लस वन को जीरो के आगे पलट के एक्स की वैल्यू माइनस वन एक्स की वैल्यू माइनस वन साथ देने एक्स की वैल्यू माइनस वन एक्स की वैल्यू माइनस वन अब इस एक्स की वैल्यू माइनस वन को इक्वेशन में हर जगह पुट कर देना हर जगह इसमें पुट कर देना इसमें पुट कर देना इसमें पुट कर देना बट जहां से आया उसमें भूल के भी पुट मत करना क्यों रीजन कोई बता सकता है जीरो की गुणा सब में क्या हो जाएगा जीरो और वन अपॉन जीरो हमारे दुनिया में क्या होता है इनफाइनाइट तो खेल ही पूरा खत्म नॉन डिफाइंड हो जाएगा ठीक ना इसलिए यहाँ पे देखना डायलॉग क्या लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ठीक ना एक्स प्लस वन यहां से टर्निंग पॉइंट है क्या टर्निंग पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस वन इसे सभी में पुट करना सीधा लिख लो सभी में पुट करना बट जहां से ये आया है अरे बोलो जहां से आया है उसमें भूल के भी पुट मत करना ना खेल करना ठीक ना भूल के भी पुट मत करना ठीक ना और ब्रैकेट में शांति से दिखा देना वन अपॉन जीरो कोई पूछे क्या है ये वन अपॉन जीरो तो बोलना हम समझ लेगा ठीक ना बाकी लोग को समझाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है वन अपॉन जीरो आ गया ठीक ना यहाँ पे दिखा दिए ब्रैकेट में वन अपॉन जीरो ये रीजन है इसका वन अपॉन जीरो जैसे इसमें पुट करो क्या नीचे जीरो और जीरो की मल्टीप्लाई किसी में कर दो जीरो और ऊपर कुछ भी नीचे जीरो क्या रहता है इनफाइनाइट ऊपर कुछ भी लिख देना कुछ भी अपॉन में जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट वर्सेस होकर ठीक ना इनफाइनाइट आ गया अब रखो सबसे ऊपर वाले में 3x प्लस 2 में रखो 3x प्लस माइनस अरे 3x प्लस 2 रखो क्या 3 इनटू माइनस 1 प्लस में 2 क्या यही होगा हाँ नीचे बोलो इसमें रखो इसमें नहीं रखना इसमें रखना है नहीं रखना इसमें बोलो इसमें रखो क्या माइनस 1 माइनस टू रख दिए अरे आगे रखो तो सही अगली लाइन में माइनस वन माइनस टू ठीक ना इसमें रखो माइनस थ्री इसमें रखो माइनस वन माइनस थ्री खत्म बी में रखो बी में अब b कैसे आएगा x माइनस टू की टर्निंग पॉइंट अरे x माइनस टू की टर्निंग पॉइंट x माइनस टू को इक्वल टू जीरो रखोगे तो x इक्वल टू टू ना टू में रखो इसमें रखो जीरो या थ्री थ्री इंटू टू प्लस टू इसमें रखो इसमें रखोगे इसमें रखो कितना होगा टू प्लस वन अरे टू प्लस वन आगे डायरेक्ट जवाब मत दो ठीक है दूसरी बार में डायरेक्ट देना इसमें रखेंगे नहीं रखेंगे जीरो इसमें रखेंगे टू माइनस थ्री होगा प्लस में इसमें बोलो क्या एक्स माइनस थ्री रखो सी रखो रखो यहाँ से टर्निंग पॉइंट माइनस वन ऊपर माइनस वन और नीचे माइनस थ्री और माइनस फोर अरे माइनस थ्री और माइनस फोर की गुणा बारह में नहीं ट्वेल्व होती है प्लस की ट्वेल्व की माइनस की ट्वेल्व प्लस की प्लस की ट्वेल्व ऊपर कितना आ गया यही हो गया ए माइनस वन अपॉन ट्वेल्व इससे आसान की पिछले वाले से इससे आसान की पिछले वाले से ये तो पहली बार नहीं है ये तो पहली बार था तो इतना लगा ना टाइम अब जब तुम करोगे तो ये थोड़े से माइनस थ्री टू वन तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे जैसे अभी भी कुछ लोग बोल रहे थे कि माइनस और माइनस टू यहाँ इसमें लगो माइनस थ्री ये तुम आसान दिखाने के लिए अभी ठीक ना यहाँ पे दिखा अब बोलो प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू लिखते हैं इसको सॉल्व करो कितना हुआ थ्री टू सिक्स टू एट तो ऊपर तो दिख गया और नीचे तीन और माइनस एक की गुणा माइनस थ्री तो माइनस आठ हो गया माइनस आठ ठीक ना प्लस नीचे एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे बोलो ऊपर बोलो ऊपर थ्री थ्री नौ थ्री थ्री नाइन और नाइन टू इलेवन इलेवन अपॉन में फोर फोर और वन फोर हो गया ठीक ना अब तीनों के आगे इंटीग्रेशन क्या ये ऊपर वाला सारा कॉन्स्टेंट है
अरे क्या बाहर आ जाएगा? ये हो गया माइनस वन अपॉन टू एल, इसका बोलो क्या लॉग लॉग एक्स प्लस वन, इसके आगे बोलो क्या माइनस माइनस लॉग एक्स माइनस टू प्लस इसके आगे इलेवन अपॉन बाई फोर लॉग एक्स माइनस थ्री। पसंद आया छोटा तरीका? आपके इस तरीके से हम सहमत हैं। पसंद आया छोटा तरीका? कितने लाइन में आंसर? तीन लाइन मत बोलना, भूल के भी तीन लाइन मत बोलना। कितनी लाइन में चार है? कितनी लाइन में चार? हमारे लिए दो लाइन यहाँ पे और फिर डायरेक्ट है यहाँ पे। अच्छा आपको वो लाइन गिन रहा है क्या? ये लाइन नहीं गिन रहा हूँ ना ना, ऊपर वाला लाइन गिन रहा है यार। स्ट्रॉन्ग बच्चे के लिए दो लाइन, दो लाइन। वीक बच्चे के लिए चार लाइन, महावीक के लिए भी चार ही लाइन। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बच्चे के लिए एक ही लाइन में हो जाएगा। दो लाइन, वीक के लिए चार लाइन, वीक के लिए चार ही लाइन क्यों? शरीर की बात है, तीन लाइन। वीक के लिए तीन ही लाइन क्यों? वीक के लिए वीक के लिए सब्जेक्टिव मेथड ट्रिक तो जमा नहीं करेगा। वीक रहेगा तो सब्जेक्टिव मेथड भी जमा नहीं करेगा। वीक कभी सब नहीं, इसको बोर्ड में लगाया करना क्यों ना, ये जो टीचर है वो क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग एक फॉर्म लगाया करते हैं। हां हां, क्रॉस चेक कर लेना, एबीसी की वैल्यू पता कर लेना और देख लेना हमारे टीचर सही बता रहा है कि नहीं ना, है चेक कर लेना कल से आगे एबीसी निकाल के आना ठीक ना, हम पूछेंगे। और स्कूल बोर्ड में भी बोर्ड में अगर नहीं आएगा तो इसी फॉर्मूला से ए निकाल के हेंस ए इक्वल टू बी। बोर्ड में भूल के भी मत करना, कि क्या किए हो ये, जे क्या किए हो ये टीचर भी उड़ जाएगा ये क्या किए हो ठीक है ना। नहीं तीनों ही क्वेश्चन निकाल के तो आंसर वाला सही है। हां 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 आंसर सही है, लेकिन सेकंड स्टेप तो जीरो बड़ा कह जाने का तो क्या कह रहे यार, ये इक्वेशन वाला है ना, चाहता है ये इक्वेशन का तो दीप के बता दिए एबीसी क्या चाहो उसको लेकर शांत कराया क्या ये ऊपर एबीसी बराबर इसकी वैल्यू रखोगे ना। जैसे पढ़ा के से जाते थे तो उनके तरफ देखता था, जैसे ही सर बोर्ड की तरफ मुड़ जाते थे हमारी तरफ इधर देख के खाली हंसते रहता था। हम उनसे पूछते थे क्यों तुझे हमको देख के काहे तरह हंसते हैं, और बाकी टाइम अजीब चेहरा बना के रहता था ठीक ना। तो एक दिन लास्ट जब हम लोग का दिन था, हम लोग छोड़ने वाले थे लोग इंस्टीट्यूट, तो मॉल गए मॉल गए थे लोग घूमने ठीक है। हम उससे पूछे क्या तुम देखी भाई एकदम मुँह अजीब टाइप का चेहरा बना के रहते हो, कहा ऐसा इंस्टीट्यूट में करते, पर पता है जब से हम आगाज से चलते हैं हमारे चेहरे का एकदम हंसी ही चला गया। पर टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री के हम मास्टर थे और इस समय हमारा सबसे वीक ट्रिग्नोमेट्री हो गया है। तो बाहर हमारे तरफ से देख के मतलब हमारे तरफ ऐसे एक बार देता था तुमको आ रहा है ना, तो हमको भी थोड़ा सा बता देना। आगरा छोड़ के हम आए पढ़ने यहाँ पे, आगरा से आया था, आगरा से अरे दूर दराज से बच्चे आते हैं ना, कैपिटल है इंडिया का, वहाँ के बच्चे कम पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ की सच्चाई जानते हैं, और तुम बगे की सच्चाई जानते हो तो बगा में नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर कोई आस पास का अड़ोस पड़ोस का बच्चा अपना टाइम से आता नहीं है बगा में पढ़ने, बगा में पढ़ने आने का तो बड़ी चीखी चीखी दिख रहा था बगा में, कितना अजीब हुआ हो गया बगा में कौन से पढ़ने आ रहा था हरियाणा हो गया ऑन करो बस x plus x into cos x upon में x 1 minus x square e की power 2 sin x क्या लग रहा है पार्शियल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री, ऊपर की डिग्री एक है नीचे की डिग्री तीन है, बट इमेज किसी टाइप से मैच नहीं कर रहा है, इमेज मैच नहीं किया। यहाँ पे लिखना पार्शियल का ख्याल तो आया कि पार्शियल लगा दे, एक टाइम तक फैन बोला कि अरे पार्शियल लगा दे, बट इमेज मैच नहीं किया, इमेज मैच नहीं किया, इमेज मैच नहीं किया ठीक। अब क्या करें? तो वहीं बुद्धि का प्रयोग कैसे लिखा था, बुद्धि को रख कर नहीं समझा दिया, दिमाग दिमाग ही लिख देना, बुद्धि नहीं आता दिमाग का प्रयोग बोलो कैसे कर सकता है बताओ। इमेज का 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, वो तो पूरा नहीं भी दो होता ठीक हो जाए। अच्छा अगर अलग अलग अभी देखो अलग अलग कर देता है तू
जैसे वन अपॉन में एक्स नहीं मेरा बात सुनो, दिमाग का प्रयोग, दिमाग का प्रयोग क्या कहता है, एक्स इनटू ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंसेस हम सोच जाओ, यही है ई की पावर साइन एक्स, x into e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन बोलो, e की पावर sin x मल्टीप्लाई में तो कौन सा रूल लगेगा, u dot v, u dot v बोलो, u dot v, e की पावर sin x u dot v लगा, इसका बोलो x का आगे तो 1 और e की पावर sin x, e की पावर sin x, e की पावर sin x चुपचाप बैठा, अरे e की पावर sin x चुपचाप बैठा ना, प्लस x, x को चुपचाप बैठा है, e की पावर sin x का, e की पावर sin x और फिर sin x का cos, फिर sin x का cos, फिर sin x का cos, कुछ कॉमन आएगा, आएगा, अरे क्या कॉमन आएगा, e की पावर sin x को बोला गया कि तुम कॉमन आ जाओ, अंदर क्या छूट जाएगा, 1 प्लस x cos x, यही समान ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यही समान लिखा हुआ है ऊपर, देखो 1 प्लस x * cos x t मान लेंगे, मान लेंगे ठीक ना, अब जब भी ऐसा आए कि डिफरेंशिएशन कभी ऊपर लिखा हो तो उसको क्या कर लो, t मान लो, अगर इसको t मानोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या dt बन जाएगा, अरे क्या ये dt बन जाएगा, ठीक ना, तो 1 प्लस x cos x क्या बन जाएगा, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास खाली 1 प्लस x cos x है ना, इसको t मान लेंगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन dt होगा ना, इसका डिफरेंशिएशन dt होगा ना, यहां पे 1 प्लस x cos x के साथ e की पावर sin x मिल गया, नीचे आ जाएगा dt, फिर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, देखो ना इधर देखो तो सही, अब देखो 1 प्लस x cos x की जगह क्या लिखोगे, क्या dt अपॉन में e की पावर sin x, dt अपॉन में e की पावर sin x, 1 सेकंड के लिए लिखो, इसको मिटा दे, बस 2 मिनट में 1 प्लस x cos x ये क्या लिखें, dt अपॉन में e की पावर sin x, लिख दिया dt अपॉन में e की पावर sin x, अरे बोलो dt अपॉन में e की पावर sin x, e की पावर sin x को हटा के क्या लिख सकते हैं, सोच के बोलो आंसर, dt अपॉन में e की पावर sin x, अरे e की पावर sin x हटा के क्या लिख सकते हैं, t अपॉन में x, t अपॉन में x, तो e की पावर sin x हटाओ और लिख दो t अपॉन में x, मल्टीप्लाई में अंदर बोलो, अंदर हो जाए e की पावर sin x, क्या ये 1 माइनस x इंटू e की पावर sin x का होल स्क्वायर लिखा है, अरे क्या ये लिखा हुआ है, अंदर का समान, इधर देखो dt अपॉन में e की पावर x, यहां पे x भी है ना, अरे यहां पे x भी है ना, तो 1 माइनस x स्क्वायर 2 sin x, हम बोल रहे हैं x * e की पावर sin x को t मान लो, अब अगली लाइन में से डिफरेंशिएशन करो, e की पावर sin 1 * e की पावर sin x u dot v से करोगे ना, तो 1 * e की पावर sin x प्लस x * e की पावर sin x फिर sin x का cos x dt बन गया, अरे dt बन गया, कहां कंफ्यूज हो रहा है, जो 2 sin x है ना वहां पे, हां 2 sin x तो t स्क्वायर किसे मान ले रहा हूं, ये सुनना है, अरे मतलब 1 minus t for t sin x मान रहे हैं, उसको उसको थोड़ा मान रहे हैं वो, हम इसको t नहीं मान रहे हैं, हम अलग से x into e की पावर sin x को t मान रहे हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर था, ठीक है, ये तुमको डायरेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है, हमको दिख रहा है क्योंकि प्रैक्टिस है, नहीं मैंने मान लिखी है इसलिए हम बोल रहे हैं, हाँ तो dt हो गया ना, अब यहाँ देखो x into t upon में x, क्या यहाँ x पहले से था, और e की पावर sin x हम हटा दिए, e की पावर sin x equal to क्या आ गया, t by x, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा समान हटके dt upon में e की पावर sin x दे रहा था, और dt upon में e की पावर sin x, और e की पावर sin x से जाके क्या लिखे हैं, t by x, t by x हो गया ना, और क्या x वहाँ पहले से था, और ये क्या 1 minus x into e की पावर sin x का होल स्क्वायर लिखा है, अब लिखा है ये, अब अगली लाइन में क्या लिखोगे, ऊपर तो dt क्या इस x ने x को मार दिया, क्या बच गया dt, और यहाँ क्या बच गया 1 minus t स्क्वायर, क्या यही है, ठीक ना, ऊपर तो dt ही रहा और नीचे t 1 plus t और 1 minus t, अब क्या इमेज मिल गया है, अब इमेज मिल गया है, इमेज मैच, अगर इमेज मैच तो होगा, बोलो किसी में मैच किया है, वन अपॉन में ए, 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 ए,